हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, इसको देख लिया था एक क्लास में। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में एंड वेरियस एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनेशन एंथैल्पी, द सेकेंड प्रॉपर्टी अमंग द पीरियोडिसिटी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस, उसको हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी। सो द टॉपिक फॉर द टुडे इज आयनेशन एंथैल्पी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो अगर एक एटम है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ खींचे हुए होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़ के जाते नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है उन पर। मगर अगर हम बाहर से इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, तो अगर बाहर से एनर्जी आएगी तो एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो बाहर निकाल देगी तो क्या हो जाएगा, एटम एटम बिकम्स आयन। तो यही होती है आयनेशन एंथैल्पी। सो अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लें, तो डेफिनेशन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिटी फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज न्यूट्रल स्टेट। देखो तो ये हमारे पास एटम है, तो देखो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिटी। जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है तो बाहर वाले शेल से स्टार्ट होता है। तो जब एनर्जी आएगी तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकल के कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इन्फिनिटी फॉर एटम इज़, वी कैन से इट इज़ 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो हम मेज़र करते हैं फेमटोमीटर में। फेमटो इज़ 10^-15। तो एटम का जो साइज़ होता है वो इन टर्म्स में चलता है न्यूक्लियस के साइज़ के, दिस इज़ न्यूक्लियस का साइज़, और एटम के हम पिकोमीटर में मेज़र करते हैं। तो इन्फिनिटी क्या होगा उसके लिए, अगर मैं मिलीमीटर का डिस्टेंस भी ले लूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिलीमीटर का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है आइसोलेटेड गैसेज स्टेट। तो देखो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला, और गैसेस स्टेट क्यों ले गया है। देखो इसके लिए रीज़न क्या है, लाइक सपोज़ करो मेरे पास आयरन है, तो आयरन है तो उसमें क्या होगा, सारे जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से चिपके चिपके होंगे, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसको क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे। तो बाहर से एनर्जी आएगी और इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। मगर जब ये बाहर से एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी सिर्फ इसी के पास नहीं आएगी, ये इसके पास भी चली जाएगी थोड़ी बहुत, इसके बगल में कोई होगा उसके पास भी चली जाएगी। तो जितनी हमने एनर्जी दी वो सिर्फ एक के पास नहीं रही, वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये उसी तरह से है कि अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर सारे बच्चे आंसर करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा। अगर हम इंडिविजुअली खड़ा कर करके पूछेंगे तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इस बच्चे ने पढ़ाई की है। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो हम करते क्या हैं, ये जो आयरन के आइटम्स हैं इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं आइसोलेट, एकदम अलग थलग कर देते हैं। और आइसोलेट कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग इट हीट। जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, जो एफी सॉलिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एफी गैस की स्टेट में। तो अब इस गैसीय स्टेट में अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूँ, तो जब एनर्जी आएगी गैसीय स्टेट में, तो जितनी भी एनर्जी आएगी वो क्या करेगा, इस सिंगल एटम में अब्जॉर्ब करेगा। और इस एटम ने कितनी एनर्जी ली अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो हमें क्या हो जाएगा, ईजिली पता चल जाएगा। तो जब भी हम आयनेशन एंथैल्पी निकालते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम, वी हैव टू फर्स्ट द आइसोलेट द एटम। तो हम एटम को पहले आइसोलेट करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड इट कि आयनेशन एंथैल्पी होता कितना है बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई होगी आई होप। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिटी फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज स्टेट। तो अकेले जब एटम होता है तो उस टाइम पे उसकी आयनेशन एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। जो एंथैल्पी होती है ये, इसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव जो होता है वो होता है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हम बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और नेगेटिव होता है इन केस ऑफ एक्सो थर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाती है और एंडो में सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बेसिकली। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर यही याद रखना है कि डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव और डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव।
तो पॉजिटिव कब होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और नेगेटिव कब होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब लाइक सपोज़ करो मेरे पास कोई मेटल है, अब मेटल से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा नहीं, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती करके उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, वी हैव टू गिव सम एनर्जी टू द मेटल, हम इसको क्या करेंगे कुछ एनर्जी देंगे। और जब एनर्जी देंगे तो उस केस में जब भी एनर्जी एंथैल्पी हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी एंथैल्पी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी देके और फिर हम जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करा रहे हैं। सो एनर्जी एंथैल्पी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, एनर्जी एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को आयनाइज करना है तो न्यूक्लियस ने कुछ फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते हैं के Q1 Q2 बाय R2। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके साथ न्यूक्लियस जो है क्या कर रहा है, ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जब ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अपने आप तो बाहर जाएगा नहीं वो, तो जब उसको बाहर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि हम एनर्जी बाहर से दे रहे हैं इसीलिए जो प्रोसेस जो है वो कैसी हो जाएगी, हमारी एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी एंथैल्पी जो होती है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एच जो होगा उसके लिए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एनर्जी एंथैल्पी जो होती है नेक्स्ट ये देखते हैं हमेशा हम पॉजिटिव में लिखी जाएगी, सक्सेसिव आयनाइजेशन इन्थैल्पी। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो लाइक मेरे पास कोई मेटल है, मैंने उसमें से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसमें कुछ डेल्टा एच लगा, फिर मैंने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसमें से भी कुछ एनर्जी लगी, लाइक इट इज़ डेल्टा एच टू। अब जो एम टू प्लस है इसको मैंने कन्वर्ट किया एम थ्री प्लस में, यहाँ से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर लगा हमारे पास एच थ्री। तो हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए एंथैल्पी कितनी लगी, एच वन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए एंथैल्पी लगी एच टू, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए लगी एंथैल्पी एच थ्री। तो हमारे पास तीन एंथैल्पी हो गई, एच वन, एच टू और एच थ्री। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी चाहिए होती है एनर्जी दैट इज़ सेकेंड एनर्जी एंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड थर्ड एनर्जी एंथैल्पी। सो ये होती है सक्सेसिव एनर्जी एंथैल्पी। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी, नाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड एनर्जी एंथैल्पी, एंड फॉर द इजेक्शन ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज थर्ड एनर्जी एंथैल्पी। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैं आई वन, आई टू और आई थ्री इनको कंपेरिजन करूँ कि तीनों में से ज़्यादा कौन होगा, तो आई थ्री जो होता है हर केस में सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आई टू एंड एज़ कम्पेयर टू आई वन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, और ऐसा क्यों होता है रीज़न देखते हैं उसका। देखो जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है कटायन में, और जब कटायन में कन्वर्ट हो चुका है तो अब इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो जितने प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अब जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन उनको और जोर से खींचेंगे, तो और जोर से खींचेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एच टू क्या होगा हमें और ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कन्वर्ट हो गया टू प्लस में, अब टू प्लस में क्या हुआ, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज कभी होते नहीं है। तो उस केस में क्या हो गया, जो जेड इफेक्टिव है जेड इफेक्टिव और बढ़ गया। तो जब जेड इफेक्टिव और बढ़ गया तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए जो सक्सेसिव एनर्जी एंथैल्पी होती है उस केस में कटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आई वन सबसे कम होगा और थर्ड एनर्जी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूँ तो फर्स्ट कम होगी सेकंड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट आई थी यहाँ पर, कि जो एनर्जी एंथैल्पी होती है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप से कभी बाहर नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया इसमें डेफिनेशन क्या होती है, कितना द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल टू इन्फिनिटी इन आइसोलेटेड गैसीय स्टेट। इसके अलावा हमने मतलब समझा कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, इसके अलावा एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव ये देख लिया हमने। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है सक्सेसिव एनर्जी एंथैल्पी, तो वो भी हमने समझा कि एच वन क्यों कम होती है और एच थ्री क्यों ज़्यादा होती है, या आई ई वन जो है वो सबसे कम क्यों होती है और आई ई थ्री सबसे ज़्यादा की होती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव एनर्जी एंथैल्पी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट करने के लिए भी आता है, और कंपैरिजन के बेसिकली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड, जैसे कि हमारा सीक्वेंस जो चलता है टॉपिक चैप्टर्स का, जो इस चैप्टर में चल रहा है टॉपिक्स का, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखा हमने, प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे हम कि कौन कौन से फैक्टर्स उस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। तो सेकेंड जो टॉपिक रहेगा इसमें दैट इज़ फैक्टर्स
अफेक्टिंग एनिशनथैल्पी। एनिशनथैल्पी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, तो फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द एटम। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सपोज करो कोई छोटा एटम है और कोई बहुत बड़ा एटम है, ठीक है। अब छोटे एटम में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस बैठा हुआ है, जबकि जो बड़ा वाला एटम है उसके न्यूक्लियस बहुत अंदर पड़ गया, इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत बाहर चला गया। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा इजीली कौन छोड़ देगा, ज़्यादा इसलिए छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसका बहुत कम लगेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो साइज से कैसे वेरी करेगा, एनिशनथैल्पी और साइज ये कैसे वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करेंगे, ठीक है। तो जितना कम साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा मुझे उसको देना पड़ेगा एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सिंपल है, साइज़ छोटा, पास में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको कहते हैं हम जेड इफेक्टिव। तो देखो इफ़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर, अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा, और साइज़ कम हो जाएगा तो एनिशनथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जेड इफेक्टिव और एनिशनथैल्पी कैसे वेरी करेंगे, डायरेक्टली वेरी कर देंगे। मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी एनिशनथैल्पी, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेगा, और जितना ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनिशनथैल्पी होगा। तो दिस इज़ द सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। देखो हमारे पास चार सबशेल होते हैं, एस पी डी और एफ। एस जो होता है इट हैज़ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्ट शेप, छोटा होता है सबसे, और एफ जो होता है डिफ्यूज़ होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस में है और कोई इलेक्ट्रॉन एफ में है तो ज़्यादा इजली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से होगा, ऑब्वियस ही बात है कि एफ से होगा, क्योंकि एफ जो है वो डिफ्यूज़ है, न्यूक्लियस का चार्ज एफ तक, वैसे ही एफ दूर होता है तो न्यूक्लियस का चार्ज एफ तक कम जा पाएगा, जबकि एस जो है वो पास में होते हैं, सिंपल सा याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो एस न्यूक्लियस के पास है तो सबसे ज़्यादा फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, एस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे, इसीलिए एस से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू द एफ। तो पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी में कम, एफ में सबसे आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ फैक्टर। तो फोर्थ फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हमारे पास या तो तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो फुली फिल्ड होगा, या तो पार्शियल फील्ड होगा, या तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। लाइक फुली फील्ड में हमारे पास जो चार सबशेल होते हैं एस पी डी एफ, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये कंडीशन हो सकती है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड में क्या कंडीशन होगी, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, और पार्शियल फील्ड में इन दोनों के बीच की स्टेट आएंगी। तो दिस इज़ फुली फील्ड स्टेट, दिस इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट। अब फुली फील्ड स्टेट में जैसे एस में 2 और पी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फील्ड में एस में 1, पी में 3 और डी में 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखो तो इस केस में और इस केस में क्या होगा कि इन दोनों केस में सिमेट्री बन रही है, या तो हैं तो पूरे हैं या हैं तो आधे हैं, एग्जैक्ट कंडीशन बन रही है। तो जब भी ऐसा केस आए जहाँ पर कोई सिमेट्री बन रही हो उस केस में वो जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, व्हेन देयर इज सिमेट्री द स्टेबिलिटी विल बी मोर। और जब पार्शियल फील्ड रहेंगे तो इसमें केस में क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, और जब नॉन सिमेट्री रहेगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो कंक्लूजन क्या है इसका कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
द सिमेट्रिकल सबशेल विल बी डिफिकल्ट, विल बी डिफिकल्ट। तो जहाँ सिमेट्री है, स्टेबल है वो, और वो अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहेगा, तो जहाँ पर भी सिमेट्रिकल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल फ्री स्टेट। तो ये चार फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर जो एनर्जी एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। सो एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं वो कौन कौन से चार फैक्टर हैं। द फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, तो कैसे वेरी करता है एनर्जी एंथैल्पी, इनवर्सली। सेकेंड इज एनर्जी एंथैल्पी डायरेक्टली वेरीज विद द जेड इफेक्टिव। थर्ड इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, सबसे अच्छा एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का, एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड और फुली फील्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल फील्ड स्टेट। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो एनर्जी एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। थर्ड सब टॉपिक है पीरियोडिसिटी, कि एनर्जी एंथैल्पी कैसे कैसे वेरी करेगी। देखो नॉर्मली क्या होता है ग्रुप में और पीरियड में, तो पीरियड में देखो नॉर्मली क्या होता है जैसे जैसे मूव करते हैं इन ए पीरियड देन द साइज विल डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होगा तो एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी, एनर्जी एंथैल्पी विल इंक्रीज। तो पीरियड में मूव करते हुए एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि ग्रुप में क्या होता है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, जब साइज इंक्रीज होगा तो एनर्जी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इन ए ग्रुप एनर्जी एंथैल्पी विल डिक्रीज, इन ए पीरियड एनर्जी एंथैल्पी विल इंक्रीज। ठीक है, तो पीरियडिसिटी का कोई खास काम आता नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली एक्सेप्शन से ही आते हैं, तो पीरियडिसिटी हमें कहीं मुश्किल ही कभी यूज़ होगी। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द पीरियडिसिटी। फिर भी ध्यान रखना होता है कि कैसे कैसे वेरी करता है, बहुत सिंपल सा है, साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा एनर्जी एंथैल्पी कम हो जाएगी, पीरियड में मूव करेंगे साइज छोटा होगा एनर्जी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पीरियडिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सब टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ एनर्जी एंथैल्पी। तो एनर्जी एंथैल्पी के एक्सेप्शन क्या होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं एनर्जी एंथैल्पी के, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली वो एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। देखो तो सबसे पहले अगर हम देखें फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें मुझे फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी एंड सेकेंड एनर्जी एंथैल्पी कंपेयर करनी है। देखो अगर नॉर्मल ट्रेंड से चलें तो नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, एंड दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। ठीक है, और हमें अभी पीछे पढ़ा हमने अभी कि जैसे जैसे हम पीरियड मूव करते हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो छोटा होगा और नाइट्रोजन क्या है ये कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा होगा। तो जो एनर्जी एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, वही रीज़न देखना है हमें। देखो नाइट्रोजन जो है इट इज़ 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन जो है इट इज़ 1s2 2s2 2p4। तो ये उनके कन्फिग्रेशन होते हैं, नाइट्रोजन इज 7 ऑक्सीजन इज 8। अब देखो इसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p3 में है, इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p4 में है, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भर दूँ तो 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। देखो इस वाले में क्या है, पार्शियल फील्ड स्टेट है, इसमें क्या है एग्जैक्टली हाफ है, तो ये पहले से स्टेबल है। और ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मुझे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर मैं एनर्जी एंथैल्पी 1 कंपेयर करूँ, तो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी जो है वो बताओ किसकी ज़्यादा होगी। देखो नाइट्रोजन में क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट है, 2p3 कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 2p4 है, तो इसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट है, इसमें पार्शियल फील्ड स्टेट है। तो अगर मुझे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी। तो एनर्जी एंथैल्पी जो है वो फर्स्ट की बात करें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या चल रहा था, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर आया क्या कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है एनर्जी एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दिस इज बिकॉज द मोर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 2p3, एंड ऑक्सीजन हैज 2p4 कॉन्फिग्रेशन विच इज लेस स्टेबल, दैट्स वाई ऑक्सीजन हैज लेस एनर्जी एंथैल्पी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन।
अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या सीन बना, नाइट्रोजन के पास अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p2 और ऑक्सीजन के पास अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3। अब सारी कहानी यहाँ चेंज हो गई। अगर मैं सेकेंड जनरेशन थेरेपी की बात करूँ तो अब जो ऑक्सीजन है उसके पास एक ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और नाइट्रोजन जो है वो 2p2 में है, उसके पास लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन को मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी। सो इन सेकेंड केस एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें हमें एनर्जी एंथैल्पी कंपेयर करनी रहती है IE1 एंड IE2। IE1 की बात करें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और IE2 की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सब होता क्यों है, ड्यू टू मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन। जो P3 है, जिसके पास P3 आ जाएगा वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड देखें, सेकेंड आता है बेरिलियम एंड बोरोन में, दे ऑल्सो बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो विद रूल क्या होना चाहिए, बोरोन का साइज़ छोटा तो एनर्जी एंथैल्पी ज़्यादा, मीन्स बोरोन की जो एनर्जी एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। देखो, बेरिलियम का अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूँ तो इट इज़ 1s2 2s2, बोरोन का 5 होता है नंबर, तो 1s2 2s2 2p1, दिस इज़ कन्फिग्रेशन। आउटरमोस्ट शेल की बात करें तो इसमें 2s2 है और इसमें 2p1 है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें तीन ऑर्बिटल होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बताओ, अगर पहला इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना रहे तो ज़्यादा एनर्जी मुझे किस में देनी पड़ेगी। देखो, ये मोर स्टेबल है, ये चाहता है कि मैं 2-2 ही ना। तो इस केस में अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बेरिलियम को मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू बोरोन। सो IE1 ऑफ बेरिलियम इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू बोरोन। ठीक है, होना क्या चाहिए था उल्टा, मगर हो क्या रहा है ये। ठीक है, तो रीज़न सेम है, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मोर स्टेबल 2s2 कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर 2p1 था जो कि लेस स्टेबल था, उसने क्या किया, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अगर मैं IE2 की बात करूँ, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या सिनेरियो बना, बेरिलियम और बोरोन एक दोनों ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो बेरिलियम में क्या कन्फिग्रेशन बचा, 2s1, और बोरोन के पास 2s2 आ गया। अब यहाँ पर भी सीन उल्टा हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, तो अगर मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज़्यादा एसडी कौन छोड़ देगा, बेरिलियम छोड़ देगा, क्योंकि इसके पास तो 1 ही है और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा स्टेबल है। तो सेकेंड जनरेशन थेरेपी की बात करें तो फॉर सेकेंड जनरेशन थेरेपी बोरोन को मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। तो सेकेंड जनरेशन थेरेपी ऑफ बोरोन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। सो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो देखो, इसमें एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है। तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम के साथ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आए थे, एक तो यहाँ एक्सेप्शन आया था और एक यहाँ एक्सेप्शन आया था, तो दिस इज़ फॉर द पीरियड नंबर 2। अगर मैं पीरियड नंबर 3 की बात करूँ तो ये भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे 2 बिहेव कर रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो एक्सेप्शन ऊपर आए थे सेम एक्सेप्शन नीचे होंगे विद द सेम रीज़न, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो रीज़न सेम रहने वाले हैं जो बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, सो अगर मुझे क्रोमियम और मैग्नीज इनमें कंपेयर करना है एनर्जी एंथैल्पी 1 एंड एनर्जी एंथैल्पी 2, तो कैसे कंपेयर करेंगे। देखो तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्रोमियम इज़ एक्सेप्शन ऑफ, वो होता है कैसे भरा जाता है, 4s1 3d5, और मैग्नीज कैसे भरा जाता है, 4s2 3d5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यस इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द 4s, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से निकलता है, तो ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, फोर्थ शेल में से पहले निकलेगा, उसके बाद थर्ड का नंबर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा फोर्थ में से, देन उसके बाद थर्ड का नंबर आएगा, और ये यहाँ 4 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, तो ये N+L रूल है, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है हमने। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखो तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो अगर मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देखो मुझे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, 4s से, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है कहाँ से,
फोर एस है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, अब तो पढ़ लिया हमने कि ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ होगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में। यस, ऑब्वियस बात है मैगनीज के केस में, क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल। तो अगर मैं आई ई वन की बात करूँ तो आई ई वन जो होता है इट इज़ मोर फॉर मैगनीज एंड लेस फॉर क्रोमियम। तो ये हो गया हमारा आई ई वन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा, सी आर प्लस और एम एन प्लस। तो कन्फिग्रेशन क्या बचा है इसके पास, आर्गन 4s में 0 हो जाएगा और 3d में इसके 5 है। यहाँ पर आर्गन 4s में 1, 3d में 5। अब देखो, अगर मुझे इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द 3d5। क्रोमियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3d5 से होगा और ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो स्टेबल है ये। यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है वो 4s1 से निकालना है। अब ये भी स्टेबल है इसमें, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल है। और इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये भी स्टेबल है क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों स्टेबल हैं, तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यह है थर्ड नंबर शेल और यह फोर्थ शेल, तो न्यूक्लियस के पास कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के पास बैठा हुआ है थर्ड। तो थर्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जोर से खींच रहे होंगे न्यूक्लियस से, और फोर्थ वाला कंपैरिजन टू थर्ड कम जोर से खींच रहा होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मुझे किस में ज़्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी, तो अब इस केस में जो क्रोमियम है वो ज़्यादा एनर्जी लेगा एज़ कम्पेयर टू मैगनीज फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई टू की बात करें तो आई टू जो है वो ज़्यादा होती है क्रोमियम की एज़ कम्पेयर टू द मैगनीज। आई वन किसकी ज़्यादा थी, मैगनीज की ज़्यादा थी। आई टू किसकी ज़्यादा है, क्रोमियम की ज़्यादा है। रीज़न वही है, सबका सेम चलता आ रहा है, लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन और मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन प्लस है, तो बताना है कि विच वन हैज़ मोर अनश एन्थैल्पी। देखो, ऑक्सीजन इज़ 1s2, 2s2, 2p4, और यहाँ पर क्या हो रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रखा है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, प्लस है तो इसमें जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ गया होगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो मुझे क्या करना है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। ऑक्सीजन प्लस को मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इसका आई टू करना होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, जबकि मुझे इसका क्या है, इसका मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। ठीक है, और पीछे अभी जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था जो एनर्जी एन्थैल्पी है उसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा 3 में लगती है, देन 2 में, और सबसे कम होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। क्योंकि जैसे जैसे कटायन बनेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एनर्जी एन्थैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी एन्थैल्पी विल बी मोर ऑफ ओ प्लस। ओ प्लस की एनर्जी एन्थैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ओ। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक या एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। लाइक वी हैव ग्रुप नंबर 13, तो कौन कौन आते हैं इसमें, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। देखो, हमने एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज का डिफरेंस देखा था, होने क्या चाहिए था, गैलियम बड़ा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए था, और हो क्या गया था, गैलियम छोटा हो गया था, एल्यूमिनियम बड़ा हो गया था। तो अगर मैं इसकी एनर्जी एन्थैल्पी का सीक्वेंस लिखना चाहूँ तो उसके लिए ट्रिक है, याद कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, दिस इज़ एनर्जी एन्थैल्पी और एटॉमिक नंबर में, तो एक ऐसे डब्ल्यू बना लेते हैं। यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बोरोन कितनी है, गैलियम कितनी, एल्यूमिनियम कितनी, थैलियम कितनी और दिस इज फॉर इंडियम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एन्थैल्पी किसकी है, बोरोन की, उससे कम थैलियम की, उससे कम गैलियम की, फिर एल्युमिनियम, और सबसे कम किसकी है, इंडियम की। इंडियम क्योंकि सबसे लास्ट में है तो उसकी जो एनर्जी एन्थैल्पी है वो सबसे कम है, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे बना लो। ठीक है, बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, तो दिस इज द सीक्वेंस फॉर एनर्जी एन्थैल्पी। नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कहे सीता जी सुनो प्रभु। देखो, लेड जो है वेंड में है तो इसकी एनर्जी एन्थैल्पी है वो कैसी होनी चाहिए, लीस्ट एनर्जी एन्थैल्पी होनी चाहिए इसकी। मगर होता क्या है, इन दोनों में सीक्वेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि लेड में जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ एंटर कर जाते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है, एफ में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उसकी क्योंकि शील्डिंग पोर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो गया तो एनर्जी एन्थैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सब तो सेम ही चलते हैं, सबसे बड़ी कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, और एंड में एक्सेप्शन क्या आ जाता है, लेड, और सबसे कम एनर्जी एन्थैल्पी होती है टिन की।
तो लेड और टिन में किसकी ज़्यादा होती है, लेड की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अनिशन थेल्पी से रिलेटेड एक और करेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मेटालिक करेक्टर। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, मेटालिक करेक्टर और अनिशन थेल्पी में क्या रिलेशन होता है। देखो लाइक सपोज करो हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को हटाई दो क्योंकि इट इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उन्हीं की बात करेंगे। देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो साइज़ है, साइज़ विल इंक्रीज़। तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो अनेशन थेल्पी है वो कम होती जाएगी, और क्योंकि सीजियम जो है वो सबसे बड़ा होगा तो सीजियम की जो अनेशन थेल्पी होगी क्या होगी, लीस्ट। और अगर अनेशन थेल्पी सबसे लीस्ट है तो सीजियम कैसा है, मोस्ट मेटालिक है, मोस्ट मेटालिक नेचर लिए हुए है। क्योंकि मेटल किसे कहते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अनेशन थेल्पी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। तो इन द पीरियडिक टेबल सीजियम हैज़ द लीस्ट अनेशन थेल्पी। इसी देख लेते हैं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसकी होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कौन लेते हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में जैसे हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोन, ये होते हैं। नीचे जाते हुए साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, अनेशन थेल्पी कम होती जाती है, मीन्स ऊपर अनेशन थेल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिथियम जो है, हीलियम जो है, हीलियम हैज़ द हाइएस्ट अनेशन इन थेल्पी। तो यहाँ से दो बातें हमें और याद रखनी है कि सीजियम जो है, सीजियम हैज़ लीस्ट अनेशन थेल्पी एंड हीलियम हैज़ हाइएस्ट अनेशन थेल्पी। तो सीजियम एंड हीलियम, ये दो चीज़ और याद रखनी है, सिंपल एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो मेटल याद रखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अनेशन थेल्पी, मेटालिक करेक्टर, एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इनमें रिलेशन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अनेशन थेल्पी मेटालिक करेक्टर से रिलेट करता है, तो साथ में उसके बेसिक नेचर भी देख लेते हैं। देखो तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे जो अनेशन थेल्पी है वो डिक्रीज़ करती है, और मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जितना ईजिली कोई मेटल छोड़ देता है वो उतना ही ज़्यादा मेटालिक होता है। तो अगर मैं अनेशन थेल्पी और मेटालिक करेक्टर का नेचर देखूँ तो मेटालिक करेक्टर वेरीज इनवर्सली विद द अनेशन थेल्पी। तो एक रिलेशन याद रखना है ये अनेशन थेल्पी और मेटालिक करेक्टर में। सो अनेशन थेल्पी और मेटालिक करेक्टर जो हैं दे वेरीज इनवर्सली, और हमें पता है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर। सो अनेशन थेल्पी, बेसिक नेचर और मेटालिक करेक्टर, इन तीनों को हम सम करते हैं, और सम करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। देखो फाइनली एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अनेशन थेल्पी विल डिक्रीज एंड मेटालिक करेक्टर विल इंक्रीज एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर तीन चीज़ें आई जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, अनेशन थेल्पी डिक्रीज होगी, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, अनेशन थेल्पी डिक्रीज हुई, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ, और बेसिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब अगर मैं सम कर लूँ इसे तो अनेशन थेल्पी वेरीज इनवर्सली विद द मेटालिक करेक्टर, पहला पॉइंट। मेटालिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, जितना ज़्यादा मेटालिक उतना ही ज़्यादा बेसिक, ठीक है। अब सो वी कैन से कि अनेशन थेल्पी एंड बेसिक नेचर में रिलेशन क्या होता है। सो अगर मैं रिलेशन देखूँ इन अनेशन थेल्पी एंड बेसिक नेचर में, तो नीचे जाते हुए अनेशन थेल्पी क्या होता है, कम होता है, और बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर रिलेशन निकालूँ मैं तो रिलेशन कैसे बैठेगा, रिलेशन विल बी इनवर्स, ठीक है। तो अनेशन थेल्पी
वेरीज इनवर्सली विद बेसिक नेचर। ठीक है, अनिशन थर्टी और बेसिक नेचर जो है ये इन्वर्सली वेरी करते हैं। ठीक है, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अगर पीरियड में देखें तो बेसिक नेचर जो है डिक्रीज करेगा और वी कैन से एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे मूव करते हैं पीरियड में तो नॉन मेटल्स आते जाते हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम मूव करेंगे पीरियड में तो पीरियड में मूव करते हुए एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा और पीरियड में मूव करते हुए जो बेसिक नेचर है बेसिक नेचर विल डिक्रीज। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स ये सब याद रखने हैं। ठीक है, तो फाइनली समराइज करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ये दो पॉइंट बेसिक नेचर के हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएंगे फोर एसिडिक ग्रुप में और एसिडिक पीरियड में, वो इनके क्या होंगे, वाइस वर्सा होंगे। ठीक है, अगर मूव करेंगे हम ग्रुप में तो एसिडिक नेचर क्या होगा, देखो बेसिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो एसिडिक कम होगा, और अगर मैं मूव करूँगा पीरियड में तो पीरियड में मूव करते हुए क्या हो रहा है, बेसिक नेचर कम हो रहा है तो एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा। तो पीरियड में इन पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस एंड इन ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो ये चार पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स उसको हम अरेंज करना है बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। तो ये जो ग्रुप वन के ऑक्साइड्स हैं, अगर इनको हमें बेसिक नेचर में अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप अभी पढ़ा हमने, डाउन द ग्रुप जाते हुए बेसिक नेचर बढ़ता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हुए बेसिक नेचर बढ़ेगा सो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सीजियम के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, देन फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो सीजियम ऑक्साइड जो है इट विल बी मोस्ट बेसिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको मैनेज करना है इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो अगर मैं इनको देखूं तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ये एक ही पीरियड के मेंबर हैं और पीरियड में मूव करते हुए जो एसिडिक नेचर है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा एसिडिक, सबसे ज़्यादा होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक, फिर कार्बन के ऑक्साइड एसिडिक, फिर बोरोन के ऑक्साइड एसिडिक और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होंगे, बेरिलियम के ऑक्साइड। और वी कैन से बेरिलियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ही होते हैं। तो दिस इज़ अ सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसको अरेंज करना है इन एसिडिक नेचर। तो देखो 15 इज फॉर फॉस्फोरस, 16 इज फॉर सल्फर एंड 14 इज फॉर सिलिकॉन। तो 14, 15, 16 सेम। एक और यहाँ पर लिख लेते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, और एल्यूमिनियम आएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 2004 में आया था, 2004 में AITEE में। इसको हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो तो
ये सारे के सारे सेम पीरियड के मेंबर हैं, तो सेम पीरियड के मेंबर में पता है हमें कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं इन ए पीरियड तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक सल्फर के ऑक्साइड, तो सल्फर का ऑक्साइड कौन है, SO2। फिर उससे कम फॉस्फोरस के ऑक्साइड, तो फॉस्फोरस P2O3। उससे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2। और सबसे कम Al2O3, तो Al2O3 इज़ लीस्ट एसिडिक। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फेटेरिक हो जाते हैं, मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करने लगते हैं। सो दिस इज़ द सीक्वेंस। तो ये टॉपिक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो बेसिक नेचर बढ़ता है और एसिडिक कम होता है, और अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक नेचर बढ़ता है और बेसिक नेचर कम होता है। सिंपल सा है, बस यही याद रखना है। इसके अलावा अनेशन थेरेपी से एकदम सिंपल है, एक ही चीज़ याद रख लो, उससे दूसरा चीज़ अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे जैसे डांडो ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता है और एसिडिक कम होता है, और जैसे जैसे मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक नेचर बढ़ता है और बेसिक नेचर कम हो जाता है। सिंपल सा है। और अनेशन थेरेपी से इसका कंपेरिजन करें तो डांडो ग्रुप अनेशन थेरेपी कम होती है, तो जब अनेशन थेरेपी कम तो बेसिक नेचर ज़्यादा, और जब अनेशन थेरेपी ज़्यादा तो बेसिक नेचर कम। एडिट द सेकेंड लाइन। सो दिस इज़ होल अबाउट द टॉपिक ऑफ अनेशन थेरेपी। अनेशन थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द अनेशन थेरेपी। लास्ट ईयर्स में जितने भी एंट्रेंस हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ अनेशन थेरेपी, विल सी इन दैट क्लास। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।